जय जोहार, स्वागत है आप मन के न्यूज 36 छत्तीसगढ़ के आवाज में। मैं हूं आप मन के संग मनीरज। खबर छत्तीसा में चला आगू बाढ़बो। सूरजपुर जिला में कई ऐसे परंपरागत प्राचीन और अब विलुप्त होवत वाद्य यंत्र मिलत है जिन आज के युग में बहुत ही कम लोगन देखे होही। हालांकि एमा के कुछ वाद्य यंत्र कस अत्याधुनिक वाद्य यंत्र आज के बाजार में जरूर मिल सकत है, लेकिन ऐसे वाद्य यंत्र अब शायद ही कोखरो तीर हो ही। दरअसल सूरजपुर जिला के प्रतापपुर के एक शिक्षक के प्रयास ले आज ये विलुप्त हुआ वाद्य यंत्र ला बचाए जा सके है। खास बात ये है कि एमा ले कुछ वाद्य तो ऐसे है जिकर बारे में कहे जाते कि एकर आवाज सुन के सबसे खतरनाक माने जाए वाला जंगली जानवर शेर भी रिझा जाते और बाजा के तीर तक आ जाते। कुछ ऐसे विलुप्त होत वाद्य यंत्र है जिला हाथ के संग पेट से भी बजाए जाते। सूरजपुर जिला के प्रतापपुर ब्लॉक में अलग अलग आदिवासी परिवार के तीर करीब 70 ले ज्यादा ऐसे वाद्य यंत्र है जिन राजा महाराजा मन के समय और ओकर पहली प्रचलन में रही। खास बात यह है कि कुछ साल पहले ही प्राचीन वाद्य यंत्र ला सहेजे के काम करैया शिक्षक अजय चतुर्वेदी ला पता चली, जेकर बाद ओहा जिला के अन्य गांव में लोगन से संपर्क करीस और कबाड़ में पड़े ये वाद्य यंत्र के साफ सफाई और मरम्मत करवा के ओला ओही ग्रामीण के घर में सुरक्षित रखवा दीस। शिक्षक अजय चतुर्वेदी के बदौलत आज जिला के कई गांव के आदिवासी परिवार में रखे करीब 70 प्राचीन वाद्य यंत्र के धुन एक बार फिर गाँव वाला मन ला सुनाई दे लगीस और पूर्वज मन के अपन वाद्य यंत्र ला उनकर उत्तराधिकारी अब बजाए बर सीखे लगे है। चतुर्वेदी के मुताबिक ये अलग अलग वाद्य यंत्र के इतिहास 100 से 200 साल पुराना हो सकत है। ये विलुप्त होत वाद्य यंत्र में जिला के कलेक्टर गौरव कुमार सिंह के नजर पड़ीस और वह फिलहाल उपलब्ध सबो वाद्य यंत्र ला धरोहर के रूप में कला केंद्र में रखे के फैसला लिए है। एकर पाछू उखर मनसा ये है कि कैसे विलुप्त होत वाद्य यंत्र ला संरक्षित करे जा सके और कला केंद्र में ऐसे वाद्य यंत्र ला रखे ले जिहां एक ओर आज के लइकन और युवा हमार संस्कृति के प्रति आकर्षित होही, उन्हें दूसर कति अन्य ग्रामीण ला भी एकर जानकारी होही और कहूँ उखर तीर भी ऐसे कोई वाद्य यंत्र मौजूद होही तो उमन भी ला के ओला कला केंद्र में संरक्षित कर सकत है।